हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुशमिता पाठक। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत 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 बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का टाइटल आप पढ़ के समझ ही गए होंगे कि मैं फिर से स्टार्ट करी अपनी वेडिंग सीरीज। और वेडिंग सीरीज को फिर से स्टार्ट करने का रीजन ये है कि आई थिंक आज से 7 to 8 months पहले मैंने अपना ये वेडिंग सीरीज स्टार्ट किया था, एंड बिकॉज ऑफ सम फैमिली इशूज मुझे वो सीरीज पूरी की तरीके से बंद करना पड़ गया था। बट मैंने उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे टॉपिक थे जो कि बहुत ही बेसिक टॉपिक थे, और मैंने उसको कवर अप किया था। तो सबसे पहले मैं लाइन से पढ़ के आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या चीजें कवर अप की थी। अच्छा, मैं पढ़ रही थी, ये मत सोचिएगा कि मैं कुछ लाइनिंग है तो रट के पढ़ रही हूँ, मैं आपको सब बताते हुए चलूंगी। तो जो मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ वो है प्री वेडिंग शूट से रिलेटेड सारी चीजें थी, और एंगेजमेंट ड्रेसेस लाइक किस तरीके की ड्रेस पहननी है, हेयर स्टाइल, मैं सारी जो मतलब उसका फोटो वगैरह होगा ना, मैं यहाँ आसपास में कहीं लगाते चलूंगी साथ में, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगी कि कौन कौन सी मैं वीडियो की बात कर रही हूँ। उसके अलावा मैंने इसेंशियल बैग्स के बारे में बताया था कि किस तरीके की बैग जरूरी होते हैं ब्राइड्स के लिए, और ऑनलाइन मेकअप बॉक्स, बैंगल बॉक्स, ज्वेलरी बॉक्स किस तरीके के हमें लेने चाहिए जिसमें हमारा कम बजट में और अच्छा काम भी हो जाए, तीनों सब चीजें मैंने बताई अच्छे से। इसके अलावा मैंने मिक्स एंड मैच ऑफ बैंगल्स भी बताया है, जिसमें मैंने ये बताया कि आपके पास थोड़ी ही चूड़ियों से आप बहुत सारे बैंगल्स के क्रिएशंस कर सकते हो खुद से। और इसके अलावा मैंने आपको बताया है मेकअप ब्रश के बारे में, जैसे कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं किस तरीके का ब्रश हम यूज करें, तो मैंने प्रोफेशनली किसी से पूछा एंड उससे मेरा जो एक्सपीरियंस रहा मैंने वही परचेज किया, मैंने वही चीजें आपको बताई कि आपको किस तरीके की ब्रशेस लेने चाहिए। इसके अलावा ब्राइडल मेकअप प्रोडक्ट्स किस तरीके के और कौन कौन से लेने हैं मैंने आपको ये भी आइडिया दिया, बिकॉज मैंने जो अपने लिए परचेज किया था मैंने उसी से रिलेटेड आपसे सारी चीजें बताई थी। इसके अलावा हल्दी ड्रेसेस, लाइक आप लोग भी पूछते हो कि हल्दी में क्या पहने, तो मैंने कुछ आपको ऑप्शन दिए थे इस वाली वीडियो में। और इसके बाद मैंने आपको बताया है स्टेप बाय स्टेप मेकअप फॉर अ न्यूली ब्राइड के लिए बताया, वो भी बताया। फिलहाल मैं अभी एक जल्दी में एक और मतलब वीडियो अपलोड करूंगी जो कि इसी से रिलेटेड फिर से होगा। और इसके अलावा मैंने आपको बताया ब्राइडल चुनरी के बारे में, और ब्राइडल चुनरी की मैंने वीडियो भी अपलोड की है, लाइक आई थिंक मीशो से रिलेटेड है, तो आप वहां से जाके ब्राइडल चुनरी भी ले सकते हो। और इसके अलावा ब्लाउज का भी कुछ आइडिया मुझे अभी देना है जो कि मैंने नहीं दिया है, एंड लिपस्टिक कौन कौन सी परचेज करें मैंने ये भी बता रखा है, बाकी और भी कुछ नई चीजें मैं मंगवा रही हूँ तो मैं वो भी आपको जरूर शेयर करूंगी। चलिए, ये तो मैंने आपको सारी लिस्ट लाइन टू लाइन बता दी कि मैंने किस किस चीज की वीडियो अपलोड कर रखी है ऑलरेडी, और अभी क्या क्या बचा है ये तो बात की बातें हैं। तो ये सारी वीडियोस आपको मिलेगी मेरे ही चैनल पे, तो आपको जस्ट मेरे चैनल पे जाना है, और मैं यहाँ पे साथ में एक वीडियो भी लगा दे रही हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डर लगा दे रही हूँ, तो वहां पे आप जाएंगे और आप चेक करोगे कि वीडियो के बगल में एक ऑप्शन होता है प्लेलिस्ट का, उस प्लेलिस्ट में एक ऑप्शन होता है वेडिंग सीरीज, आपको जस्ट उसको ओपन करना है और बस उसमें जितनी भी मैंने वीडियोज को जो है मैं सेव करते जा रही हूँ वो सब वीडियोज को आपको देखना है, तो आपको सिर्फ एक फोल्डर यानी कि एक प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। इवन आगे भी जितने भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगी वो सबको मैं उसमें सेव कर दूंगी, तो जिससे कि आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा हर एक चीज को समझने में। तो जो आज की वीडियो होगी वो एक्चुअली स्पेशली रिलेटेड टू है कि मैं अपने सारी चीजों को इंट्रोड्यूस फिर से कर सकूं, बिकॉज काफी लोग के दिमाग में चल रहा है कि काफी लोगों ने मुझे डीएम भी किया कि आप जो वेडिंग सीरीज कर रहे थे आपने उसको कंप्लीट क्यों नहीं किया, एंड उसी टाइम पे मुझे लगता है शायद मैंने एक वर्कआउट सीरीज भी स्टार्ट की थी, मैं वो भी नहीं कंप्लीट कर पाई थी बिकॉज ऑफ घर में कुछ ऐसा ट्रेजेडी हो गया था जिसकी वजह से मुझे छोड़ना पड़ गया था सारी चीजें, बट फिर भी मैंने ओवरऑल बहुत सारे टॉपिक ऐसे थे जो कि जो है कंप्लीट कर लिए थे। बट अभी जो मैं अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आई थिंक मैं उसको थोड़ा पहले अभी रिसीव कर रही हूँ बिकॉज अभी शादियों का सीजन आ गया है, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि तैयारी कर रहे होंगे कि अभी हमें क्या परचेज करना है क्या नहीं करना है। काफी लोग के यहाँ नवंबर अक्टूबर में जो है एंगेजमेंट वगैरह हो जाती है और फरवरी वगैरह में शादी भी होने लगती है, तो ऐसे लोग क्या होता है ना, जैसे ही हमारी शादी तय होती है हमको तुरंत तुरंत चाहिए होता है कि लाइक अभी हमें क्या परचेज करना है, हमें उसकी लिस्ट खोजनी है। तो इसी तरीके से आपके भी मन में ये क्वेश्चंस रहते होंगे कि हमें किस तरीके की जो है क्या क्या चीजें लेनी है, तो अभी जो आगे की वीडियोस होंगी वो इसी से रिलेटेड है, लाइक आपको क्या क्या सामान परचेज करना चाहिए, मैं उसकी एक लिस्ट होगी जो कि ऐसे जो मैं भी पढ़ के बता रही थी ना एग्जैक्टली वैसे ही आपको पढ़ पढ़ के एक एक चीजें बताने वाली हूँ। इसके अलावा आपको शॉपिंग में क्या कितनी साड़ियां लेनी होती है, कितने सूट लेने हैं, कितनी क्या क्या चीजें लेनी है, लाइक वुलन से रिलेटेड आपको क्या क्या रखना चाहिए, इससे रिलेटेड एक एक वीडियो आने वाली है, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं आएगा। इवन मैं आपको ये भी बताऊंगी, स्लीपर से रिलेटेड भी बताऊंगी आपको टोटली कितने स्लीपर लेने चाहिए, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ इसी वेडिंग सीरीज में। That's why एक ये इंट्रोडक्शन है, क्योंकि जो लोग मुझे नहीं जान रहे हैं या फिर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो उनको ये बताना बहुत जरूरी है कि मेरे वेडिंग सीरीज में क्या क्या चीजें होंगी। अभी बात करते हैं कि रिसेंटली मेरी एक फॉलोअर थी जिनका आई थिंक जल्दी में ही लड़के वाले देखने आए थे, तो उनका मेरे पास रिक्वेस्ट भी आया था कि दी आप लाइक न्यूली कोई भी लड़की हो अगर वो लाइक पहली बार मिलने जा रही है लड़के से तो किस तरीके का मेकअप करे या फिर किस तरीके की चीजें रहेंगी उस टाइम पे, हमें क्या करना चाहिए वो बताइए।
तो मैं वीडियो नहीं बना पाई थी बिकॉज मैंने सोचा था कि वेडिंग सीरीज मैंने छोड़ दिया था, मतलब मुझे ये था कि ठीक है मैं फिर से कंटिन्यू करूंगी बट अभी नहीं, कुछ टाइम बाद जब मेरे अच्छे खासे फॉलोअर हो जाएंगे तब। बट रिसेंटली मेरे कुछ चैनल पे कुछ अच्छे मतलब व्यूज भी आने लगे और लोगों की ये जो रिक्वेस्ट थी कि आप अपना वेडिंग सीरीज कंप्लीट कीजिए, तो फिर मुझे भी लगा कि हाँ यार मैं कंप्लीट कर सकती हूँ, तो दैट्स वाई मैंने जो है फिर से सोचा उस सीरीज को स्टार्ट करूँ। बट अभी मैं जो ये वाला पार्ट है ना कि लड़के वाले देखने आए तो हम मतलब किस तरीके से तैयार हो, तो आई थिंक वो टाइम निकल चुका है। अभी मैं जब स्टार्ट करूँ दैट इज दिसंबर आने वाला है, और अब मुझे पता है कि अब किसी को अगर शादी करनी होगी तो सीधा अब शादी का ही दिन आएगा, अब कोई इंट्रोडक्टिव मतलब ऐसा कोई डेट नहीं आने वाला है कि लाइक हम मिलने जा रहे हैं और हमको उसके रिलेटेड कोई बात करनी है, तो ये भी वीडियो मैं डालूंगी। बट आई थिंक वो मेरे वेडिंग सीरीज का सबसे लास्ट वीडियो होगा कि किस तरीके का मेकअप करना चाहिए जब आप फर्स्ट टाइम मिलने जा रहे हो। बट अभी मैं बात कर रही हूँ उसकी जो कि ब्राइड टू बी है, जिसके सामने हजार क्वेश्चन है कि हमें क्या क्या चीजें परचेज करनी है। अच्छा अभी मैं बता दूं जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे उनको मैं बता दूं, मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी वीडियोस आ चुकी है, और अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिकॉज मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी कम बजट में बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें मिलने वाली है। और उससे भी अच्छी चीज ये है कि आप अपने क्वेश्चन इसी वीडियो के नीचे आकर के अपने डाल सकते हो, लाइक आपको और किस चीज की जो है वीडियो चाहिए ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं और आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो। और बहुत ज्यादा चूड़ियों की आवाज आ रही होगी जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैंने ये चूड़ा पहन रखा है, और ये चूड़ा चलिए आज की क्योंकि वीडियो है तो मैं आपको एक जो है सजेशन दे देती हूँ, तो आप इस तरीके के चूड़े भी खरीद सकते हैं अपने लिए शादी में। और ये चूड़ा मुझे रिसीव हुआ है एक इंस्टा स्टोर से जो कि कोलैबोरेशन के लिए आया था, बहुत ही प्यारा चूड़ा है, मैंने इसका सारा रिव्यू दे रखा है अपने इंस्टाग्राम पे, आपको मेरे इंस्टाग्राम से भी बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे। मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पर लिख रही हूँ, दैट इज फिटनेस फ्रीक हाउसवाइफ, आप यहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा, और बहुत ज्यादा छनछन कर रही है ये चूड़ी, तो वहां पर भी आप मुझे फॉलो करके सारी जो है जितनी भी इंक्वायरी होगी आप कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर मैं अपने वीडियो को एंड कर रही हूँ, और इसके बाद आप नेक्स्ट डे का वेट कीजिएगा, आपको एक पूरी लिस्ट के साथ में आने वाली हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या चीजें परचेज करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है। तो बस मैं यहाँ पे बस एक इंट्रोडक्शन देने आई थी, और इस वीडियो को भी थोड़ा सा लाइक जरूर कीजिएगा, और बस यहाँ पे करती इस वीडियो का एंड, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।